हाउ जोश थोड़ी जोश जाए तो हिंदी समझ आती है सबको कोई तो ऐसे ऐसे ना आती तो मैं हिंदी में लेने चाहूंगा ठीक है हिंदी इंग्लिश में कंबाइन करेंगे एंड आई वांट टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन मैं खुद इस कॉलेज से पास आउट हूं यहीं से मैं बना हूं यहीं से सब कुछ कर रहा करा तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिससे आप शायद मुझे दस साल लग गए यहां पर पहुंचने के लिए ये बैनर बनाने के लिए और अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करने के लिए लेकिन यू आर टेन ईयर्स अहेड ऑफ मी तो कैसे मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे मैंने नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए चीजों का इस्तेमाल करा है आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट दैट सो इट विल बी इंटरेक्टिव सेशन द गुड थिंग अबाउट मेरे को देना बहुत ज्यादा पसंद है क्या पसंद है तो आई हैव है गिफ्ट पीपीटी ध्यान से देखनी है आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम माई पीपीटी एंड जो उसको आंसर करेगा दे विल गेट अ गिफ्ट छह तीन काफी अच्छे हैं यहीं पे मिलेंगे तीन आपको बाद में मिलेंगे आई विल टॉक अबाउट दैट इन माईपी पीपीटी समझ आ गया रेडी पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग आप बी कर लो एम कर लो पढ़ाई कर लो सी कर लो कंप्यूटर साइंस कर लो Mechanical कर लो कुछ भी कर लो एट द एंड इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग इफ आर नॉट बिल्डिंग योर ब्रांड कुछ फायदा नहीं है मेरे ऑफिस में 1200 लोग हैं और 1200 लोगों का काम क्या होता है सिंपल बैठे होते हैं लैपटॉप से और अपना काम कर रहे होते हैं सिंपल सोल्यूशन उनका हुआ है एंड दे आर वर्किंग टुगेदर लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कि अपने आप को बताते हैं इवन इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी एंड यू आर ओनली डूइंग द वर्क तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपको अपने जितने भी काम हम कर रहे हैं हमें आगे प्रेजेंट करना होगा एंड दैट्स कम ब्रांडिंग का जो हमें रूल आता है उस चीज के बारे में सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ कैन यू बिल्ड यूर ऑन ब्रांड हाउ कैन यू बिल्ड योर ओन नेटवर्क दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर दिस इज अबाउट मी आई मे डिजाइन एंड ब्रांडिंग रिलेड जेमरे सोल्यूशन माई वर्क इंक्लूड यू एक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ब्रांडिंग ऑफ माई कंपनी मार्केटिंग अदर थिंग्स एंड द गुड थिंग अबाउट दट इज वी यूज टू हायर फ्राम द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी एंड ग्रोवर सर वजिंग टू मी ओनली सुरेंद्र सर की वी हैव गिवन अ स्लॉट ऑफ ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेप्टेंबर वी विल अगेन कम एंड हायर फ्रॉम नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम पास्ट सेवन टू एट ईयर्स वी आर हायरिंग फ्रॉम द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी तो अगर आज आप यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप उन सबको फॉलो करते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू कैन लैंड अ जॉब इन जेमना सोल्यूशन वेदर यू आर फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एंड द गुड थिंग इज दट जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग का जो रूल हमें लेके आओ कंपनी के अंदर इवन इफ यू आर फ्रॉम अ मैकेनिकल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यू विल हैव एन ऑप्शन टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी अर्यियर व्यूज टू हैव फ्रॉम ओनली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड समटाइम्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बट यूर फ्राम अदर ब्रांच अगर सिविल के भी हो और आपके पास डिजाइनिंग की नॉलेज है सो आई कैन हायर यू आउटसाइड जमनेई जाके भी मैं हायर कर सकता हूँ सो आई नीड पीपल हु आर एनर्जेटिक आई नीड पीपल हु आर वेरी गुड इन कॉम्युनिकेशन स्किल हु आर हैविंग एन एनर्जी दैट कैन हेल्प सम

मेरी कजन आयुष की बहन पांच कजन और आज एक जैमे एम्बेसिडर प्रोग्राम है वो भी एनसीयू से तो पूरी एक लाइन आ गई तो एक जना जब आता है था उसे फॉलो करते, है, तो करते हैं तो लोग फॉलो करते हैं तो आयुष भी एक ऐसे था कि जब एनसीयू के बारे में पता लगा फीडबैक अच्छा रहा तो आयुष आल्सो तो टू एन एडमिशन हेयर अब वो यहाँ से भी ग्रेजुएट हो गया सो आई वांट यहाँ पे भी जितने लोग हैं अभी पचास साठ लोग बैठे हुए साठ लोग उसमें से भी अगर दो तीन लोग भी फॉलो कर लेते हैं ना डेफिनेटली उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर श्योर अरे मैं गारंटी देता हूँ आप सबको

माई कॉलेज लाइफ और वो मैंने यहाँ पे ए आई बॉम्बे में जाके करा है हर किसी की स्टोरी होती है एंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं चाहता हूँ आप जो स्टोरी मेरी थी उस स्टोरी को जानो स्टोरी को जानो ताकि आप उससे इंस्पायर हो सको मैं भी औरों की स्टोरीज देख के इंस्पायर होता हूँ कैसे और लोग जो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है मैं अंकुर अंकुरी को जानते हैं सब जानते हैं अंकुर ईशांत शर्मा को जानते हैं यूट्यूबर्स यू नो ना तो मतलब जी साद पीपल जिनसे मैं पर्सनली मिला हुआ अंकुर ने आकर यहीं पर टेटेक्स की स्पीच दी थी आई बिल्ड अ कनेक्शन विद अंक आई रिस अंकुर वारी को आई मेट हिम मैं फोटो दिखाऊंगा अभी आपके साथ एंड आई मेट ईशान शर्मा जितने भी लोग हैं एवरी थिंग्स वर्क ऑन नेटवर्क किस पर वर्क करते हैं तो अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो अपना इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू पास्ट में आपके मेरे ख्याल से छ मास्टर क्लासेस हुई है मैम राइट छे मास्टर क्लास हो गई आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल है लिंक पे कनेक्ट हुए हुआ कनेक्ट किसी ने उनको लिखने पे रिक्वेस्ट भेजी है जितने लोगों ने करा है उनसे कनेक्शन बनाओ डे वन से आप अगर कनेक्शन बनाओगे अगर आज भी यहां पे मैं तीन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेता हूं जो मेरी बात का आंसर कर पाएंगे तो मेरे को हमेशा कनेक्ट बन जाएगा आई विल एबल टू अंडरस्टैंड ब्रश्यम देखिए आपने yes. दृश्यम देखिए दो अक्टूबर को क्या हुआ था दो अक्टूबर को क्या होता है हा?

जिनसे लोगों से मिल रहे हो आप उसको पोक करते रहते हो ना हाय सर चाहे लिंग पे कर लो लोग उसे बटरिंग बोलते हैं कॉलेज में लेकिन समटाइम्स डूइंग बटरिंग कैन हेल्प यू अलॉट बटरिंग यहां पे हेल्प कर सकती है तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कौन सी स्ट्रेटेजी दृश्यम स्ट्रेटेजी दिस इज माई फोटो यहां पर थोड़ी ज्यादा ही खराब आ रही है मतलब है खराब लेकिन थोड़ा ठीक दिखता था मैं डिसेंट Uh, तो आप देख पा रहे हो मैं जो ट्वेल्थ में थे ना आपको लगेगा कि शायद से जितना मैम ने लिया थैंक्स टू मैम जिन्होंने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा लिया यहाँ पे इतनी सारी चीजें अचीव कर ली कि मैं शायद से पैदा ही कैसा हुआ था सुपर टैलेंटेड या कुछ कि मैं इतनी सारी चीजें अचीव कर पाया लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं भी एक एवरेज पर्सन था जिसके ट्वेल्थ में आए थे सेवेंटी एट परसेंट यहाँ पे किसके आए मतलब सेवेंटी से कम है किसी के परसेंटेज ट्वेल्थ में है ना एटी से कम अब नाइन्टी किसके है मतलब गुड है वी हैव फोक्स जो नाइनटी से ऊपर है अदरवाइज मेजर सेवेंटी सेल्सो एन एवरेज पर्सन इसका इसका ध्यान रखना सेवेंटी एट परसेंट इज नॉट अ गुड मार्क्स आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है है या नहीं है सेवेंटी नहीं। सब नाइन ला रहे हैं पता नहीं कैसे ला रहे हैं मुझे नहीं पता यार कैसे नाइन्टी मतलब नाइनटी इज अ स्टार्टिंग मार्क हो गया हमारे पास हाँ डेफिनेटली इट कैन बी सीबीएसई इट कैन बी डेली गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है नाइनी परसेंट मार्क्स मतलब मजाक बन गया यार क्या करें मतलब तो 90 परसेंट मार्क्स उस टाइम पे 78 एट परसेंट डिसेंट हुआ करता था बट अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 85 90 परसेंट के आसपास आएंगे बट आई लैंडेड इट सेवेंटी एट परसेंट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आप सबको भी यहां पे ध्यान रखना है सेवेंटी एट परसेंट सेवेंटी वाले लोग बैठे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक एक एवरेज स्टूडेंट हो अदरवाइज अगर आप एक स्टूडियस होते अगर आप एक अच्छे होते तो डेफिनेटली आप एक आई आई टी जेई उसमें क्रैक करते करते नहीं करते सबका सपना होगा क्रैक करने का आप नहीं करेट मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड नहीं कर पाया मैं आई एम एन एवरेज एवरेज पर्सन पर्सन बट ये जो है ना वो कैसे आगे एक अच्छा बनेगा विल टॉक अबाउट दैट रिसेंटली मोदी जी ने एक शेर नया लॉन्च कराया एम्बलम याद है तो जो भारत का शेर है ना जब आप धाड़ने पर आएगा ना तो सबकी मजा के रख देगा काइंड kind ऑफ of. तो आप जो होने यहाँ पे शेर हो आप यहाँ पे सारे शेर हो जरूरत नहीं है कि आपको हमेशा ही टॉप रहना है बींग एन एवरेज पर्सन ऑल्सो आप एक बहुत आगे बढ़ सकते हो द गुड थिंग अबाउट माई कॉलेज वॉज दैट ही इज माई प्रोफेसर मैं कंप्यूटर साइंस में काफी मेरा इंटरेस्ट रहता था तो ही इज माई प्रोफेसर मिस्टर अमित एंड आई गॉट नाइन्टी फाइव परसेंट इन कंप्यूटर साइंस सी प्लस प्लस कंप्यूटर साइंस के लोग कितने हैं यहां पर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे कंप्यूटर साइंस है

मैं पैकेजेस नहीं पूछ रहा आपको कितने मिले हुए हैं रैंक कितनी आई है एक एक लाख मतलब यार तुम सब लखपति हो यार मेरी तरह आई ऑल्सो गॉट लाइक वन डेढ़ लाख रैंक आई थी फिर आपको वही सोचना है यू एन एवरेज पर्सन अगर आप होते हो तो यार डेफिनेटली आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होते हैं और कुछ होता गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में हम बात करेंगे वाई आर यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो गुड विल टॉक अबाउट दैट तो हमें ये याद रखना है कि हम अगर यहां पे पास तो हमारे पास नंबर कम आए हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर प्रेशर है आगे अपने आपको प्रूफ करने का राइट right? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और आगे प्रोसीड करना है टॉकिंग अबाउट स्कूल आई अ गुड स्टूडेंट इन नाइन्थ क्लास नाइन्थ के बाद आप सबको पता है थोड़े चेंजेस आते हैं आई आई वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम मेरे पैर कांपते थे बोलने के लिए इंग्लिश टीचर बुलाती थी पोएम पैराग्राफ पढ़वाते ना

मेरी जो टीचर्स होती थी ना वो हमेशा ये कहती थी जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि विनीत ही इज अ गुड इन एकेडमिक्स बट नीड टू स्पीक मैं बोलता नहीं था बहुत शायद था डर लगता था यार मतलब बहुत ज्यादा डर लगता था आपको भी लगेगा आपको लगता है यार मैं मैं बोलूंगा उन्हें क्या पसंद आएगा टीचर को पसंद आएगा हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा सो आई वॉज ऑल्सो वेरी शाय ग जैसे वहां पे पीछे ऊपर बैठी हुई एक एक लड़की फोन पे यूज कर रही है वो भी कुछ बोल नहीं रही है सेशन अटेंड नहीं कर रही है तो हो सकता है मतलब ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स देर आर डिफ्रेंट टाइप ऑफ कैटेगरी आई कैन फाइंड इट आउट यहाँ पे जो देखो ये बिल्कुल फ्रेंड अलग बैठा हुआ आई एम नॉट श्योर वाय अकेले क्यों बैठे हो आप दैट्स दैट्स अ प्रॉब्लम यहां पे आपको प्लेटफॉर्म मिला है नेटवर्किंग करने का लोगों से बात करने का व्हाई नॉट मेकिंग गुड न्यू फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम योर क्लास आल्सो कब बनाओगे जाओ उन पीछे वालों के साथ कनेक्ट हो जाके बैठो आराम से और नए दोस्त बनाओ ये बहुत जरूरी है सिर्फ आप अगर अपने एक लिमिटेड सर्कल के अंदर रहोगे ना तो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे हो सकता है आप सारे जितने भी हो एक ही कंपनी में जाके हायर हो जाओ टीसीएस बल्क हायरिंग करके आपको ले जाएगी लेकिन आपको अगर असेंचियर में मूव करना है तो ये जो अलग बैठा है ना ये काम करेगा तो आपको डाइवर्स लोगों के साथ कनेक्ट करना है किसके साथ करना है डाइवर्स कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो आप मैकेनिकल के साथ बात करो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करो आप और सारे डिपार्टमेंट से बात करो आप सिर्फ अपनी स्टडीज के ऊपर ना फोकस करते हो यहाँ पे जितनी भी लैब्स है उनका इस्तेमाल करो उसको यूज करते हुए चीज़ों को बिल्ड करो आई ऑल्सो वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब मैंने किसी भी डिजाइन किया कॉलेज के अंदर आई वर्क इन मैकेनिकल लैब मैंने यहाँ पे वो रंदा रंदा बोलते हैं ना ची है किसी ने बर्फ का वक्त रंदा चलाते हैं लकड़ी वाले को पता ही सबका होगा वो रंदा भी चलाया कॉलेज के अंदर तो आप भी जाइए मैकेनिकल लैब यूज़ करिए फिजिक्स लैब यूज़ करिए बायोलॉजिकल लैब यूज करिए अब तो मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक बायोलॉजी भी शायद से मैम यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर रही है बहुत जल्दी बायोलॉजी भी हमारे कॉलेज में आ जाएगी तो वो भी आप करोगे आपने आपको सिखाओ और वो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा आई टॉप इन सी एस में जो करा था वो मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज़ें थी सो इफ यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसे कि मैं था कि भाई ठीक है एवरेज स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स बट बिकम अ मास्टर इन वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना एक सब्जेक्ट एटलीस्ट पकड़ लो जो आपको हेल्प करेगा आगे नॉट इवन सब्जेक्ट लाइफ के अंदर एक ऐसी चीज पकड़ लो जो आपको आगे जा सकती है कि मैं लोगों से बहुत अच्छा करता so, that, all, इसका ध्यान रखना इस का एक बार ध्यान से देख लो सब अगेन जो मैं बता रहा हूँ शायद से कुछ यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट के अंदर मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूं आप सबको <laughs> uh, कुछ समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है कौन कौन इ कॉलेजेस में होके आ चुका है प्रमोशन कर, कर रहा हूं ये देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं डेफिनेटली मैं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करता हूं एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर सम टाइम्स यस आई डू एंडोर्स डिफरेंट ब्रांड्स एंड प्रमोट देम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल सो दिस इज माय बिजनेस गाय तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बट हाँ तो आई टू आई वेंट टू या देखो डेढ़ लाख रैंक के बाद कुछ मिलता तो है नहीं आपको भी पता है मिलता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमें आना पड़ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास होती है ये होती है आई वेंट टू एम यूनिवर्सिटी मैंने एडमिशन वहां पे ले लिया था क्योंकि मुझे नॉर्थ कैप के अंदर लिस्ट में नाम ही नहीं आया था मतलब वो सेवेंटी एट परसेंट का कॉम्बिनेशन फोर्टी प्लस सिक्सटी का कुछ होता है मेरा नाम ही नहीं, नहीं आया था वो येबल एलिजिबल फॉर है एडमिशन नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी आई वेंट टू मानव रचना मानव रचना में गया मेरे को कैंपस वगैरह पसंद नहीं आया देन आई वेंट टू एम यूनिवर्सिटी एम यूनिवर्सिटी जो नोएडा का बहुत कॉस्टली यार साढ़े तीन लाख तो तभी था आई एम नॉट श्योर अभी कितनी फीस चल रही है उसकी कितनी है सेल में अब तो सेमेस्टर क्यों होगी जब तो ईयरली थी ठीक है ना फोर्ट फाइव तो वही वो, वो सेम चीज था मतलब आई नॉट मैं इतना अफोर्ड नहीं कर करता मीन फॉर माई मिडिल क्लास फैमिली इट वॉस नॉट इजी फॉर मी टू अफोर्ड दैट मच ऑफ अमाउंट फॉर माई एजुकेशन ओनली मेरा एक और भाई था उसको भी पढ़ाई करनी थी सिर्फ मैं ही थोड़ी करूंगा तो इस वजह से मैं माना गया यहाँ पे नहीं समझ आया मिट्टी यूनिवर्सिटी नोएडा गया पसंद आया यूनिवर्सिटी गुड़गांव का सस्ता था सो आई एडमिशन देर वहाँ पे ले लिया दे नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी का नाम मेरी कजन ने यहाँ पे लिया था अगेन वो यार एक ले लेता है ना तो सब ले लेता तो मेरी बहन ने ले लिया था यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे एक ओपन सीट काउंसलिंग होती है हमारे पास तो आप वहां पर जाके अप्लाई करो आई केम हेयर एंड आगे मुझे यहाँ पे एक एडमिशन मिल गया ठीक है अब एडमिशन भी जो मिला ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ध्यान रखना इसका ये अगेन इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास सो uh, so जब मैंने यहां पे आया ना तो मुझे जिस हिसाब से मेरे मार्क्स थे ना उस हिसाब से मुझे यहां पे अपना कोर्स नहीं मिला जो कि मैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, चाहिए मुझे, चाहता था क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस सी प्लस प्लस काफी स्ट्रॉग था आई वॉन्ट टू टेक अ अलस सब्जेक्ट के अंदर लेके और कंप्यूटर साइंस में करना चाहता था बट वो नहीं हो पाया तो अवधेश मिश्रा सर को जानते हैं नोस अबाउट हिम आपको मौका लगे तो प्लीज उनसे मिलना है इज अ वेरी गुड टू पर्सन आप एक बार मीटिंग सेटअप करना ही इज द गवर्नर इज द मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एट एन इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एन सी उनका जो रूम है रिसप्शन का लेफ्ट में एक वाइट कलर में एक बॉडी टाइप का खड़ा रहते हैं ठीक है उनसे बोलना है कि मुझे अब देख सर से मिलना है जाओ उनके रूम में मतलब रूम के घुसते ना एंट्री में मजा आ जाता है मतलब पीएम का ऑफिस भी कम लगता है जो उनके वहां पर डेस्क लेके एकदम शांति रहती है एक फ्रेगनेंस इतने अच्छे आते हैं उनके रूम से मज़ा आ जाता है उनके रूम में जाके मैंने मीटिंग करी मैंने सर से कहा सर मुझे कंप्यूटर साइंस दे दो कहते बेटा तुम्हारा मार्क्स इतने कम आया मैं आपको कंप्यूटर साइंस नहीं दे सकता आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो मैंने नहीं मुझे तो कंप्यूटर साइंस चाहिए आई बात करी नहीं लाइक नहीं हुआ देन उन्होंने देख दुखा के सब कुछ करके उन्होंने मैंने उन्हें कमिट करा सर गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई विल मेक यू फील प्राउड वन डे वो मैं उनके रूम में बोल के आया था इसलिए मैं हर स्लाइड में अपनी पीपीटी यूज करता हूँ कि आप मुझे एक बार चांस दो डेफिट आई विल प्रूव यू वन डे और ये वाली जो स्लाइड थी ये बात मैंने बोली थी अब सर को इन 2012 और 2016 में जाके मैं मांगे उनके रूम में गए उन्होंने बोला सर देखो आज करके दिखाया ना एंड ही पर्सनली नो मी आई बिल्ड अ कनेक्शन एट फर्स्ट डे एंड आज तक वो कनेक्शन बना हुआ है कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है उनसे बड़ा तो मेरे ख्याल से डिसीजन uh, मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम हम बाईपास करते हैं फैकल्टीज को तो मेल ही नहीं डालता हूं मैं सिंपल अब या गवर्निंग बॉडी ओके अप्रूव्ड डन खत्म काम इतना ईजी काम हो जाता है तो so, उनको ये बताया था कमिटमेंट करी थी मैंने उनको भरोसा दिलाया था को यहाँ पे आईटी मिली दैट वाज नॉट ए इजी फोन चालू हो गया में फोन क्या में? कितना चल मैं, आपका नाम क्या है टू हंड्रेड में मैं पेटीएम नंबर अभी दूंगा क्यू आर कोड आएगा यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन स्कैन इट एंड सेंड इट टू में ठीक है तो इट वॉज नॉट ईजी जो मैं बता रहा हूँ ना मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं यार मेरे मम्मी स्टेट बैंक में काम करती थी फादर पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे लिटरली बता रहा हूं जॉब कर रहा हूं अच्छा खासा पैकेज ले रहा हूं ठीक है उसमें भी अगर आप खुद ही सोचो बीस हजार रुपये महीना निकालने के लिए मेरे को है ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है मतलब आई एम अर्निंग टू एक्स ऑफ वट माई पेरेंट्स एक्स लेकिन बीस हजार रुपये निकालना आज के टाइम में भी मेरे लिए डिफिकल्ट है आप सोचो बीस हजार रुपए मंथली निकालना अपनी सैलरी से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट दैट टाइम माई पेरेंट्स वर एबल टू मैनेज दैट फंड उन्होंने यहाँ पे मेरे को एडमिशन दिया तो मेरे ऊपर एक प्रेशर था यार कि मैं शायद गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता तो मेरे को दो तीन लाख रुपये मेरी बीटेक हो जाती लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरी जो बीटेक हो रही है वो आठ लाख रुपए के आसपास हो रही है आपकी तो फाइव परसेंट के इफ्लेशन के अगर आपसे हिसाब लगाओ तो आई थिंक डेढ़ लाख के हिसाब से सेमेस्टर की फीस होगी वन थर्टी वन लैक लाइक दट राइट डेढ़ लाख के हिसाब से आप देख लो आपकी जो पूरी ये पढ़ने वाली है बीटेक वो कितने पड़ेगी बारह लाख रुपए की पड़ेगी जो सिर्फ फीस है अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू पे फॉर लैपटॉप टू पे फॉर डिफरेंट कॉलेज की लाइब्रेरी का सिस्टम पार्टीज भी करनी है इनफॉर्मल uh, फेयरवेल uh, भी करनी है इनफॉर्मल फ्रेशर्स भी करनी है आपको और एनसीयू में आ रहे हो तो आपको सर्कल भी वैसे मिलता है जो थोड़ा यू नो हाई क्लास तो आपको उससे मैच करने के लिए डेफिनेटली नीड सम मनी तो वो बारह तेरह लाख चौदह लाख रुपए का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और चौदह लाख रुपए का रिटर्न लेना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है तो वही सेम चीज मेरे साथ थी इट वाज नॉट इजी फॉर मी तो कुछ चीजें थी जो मैंने बात करी पुरानी स्टेट के अंदर वो ये थी कि मैं एक स्टार्टिंग में एक था शायद कॉलेज स्कूल में था देन आई वॉज एन एवरेज इन स्टडीज मेरे मार्क्स नहीं आए थे एंड देन उसके अलावा जो एजुकेशन लोन मैं लोन बोल रहा हूँ उसे मेरे पेरेंट्स ने खैर कैश में पे करा था तो ये जो लोन था एक तरीके से जो प्रेशर था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा और ये प्रेशर शायद आप सबके पास भी आपको ध्यान रखना है एंड आई एम अगेन टेलिंग यू मैं आपको आज फर्स्ट डे में बता रहा हूँ था कि आप चौथे साल में आओ तो आप पछताओ ना आप प्रेशर में ना आ जाओ क्रैश कोर्स देखिए सीरीज किसी ने अभी आपने देखिए देखना आप जरूर अमेजॉन प्राइम पर आ रही है मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार क्रैश हाँ, हाँ, कोर्स हो हो गई गई क्या कोटा फैक्ट्री चीजें बता रहा तो कुछ ऐसे लो जो आपकी की. तो, आपके तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन तीन चीजों पर वर्क करना है एंड हाउ यू कैन आर कैसे लेके आना आप इन चीजों का अपार्ट फ्रॉम आप जॉब लगेगी क्या लगेगी विल टॉक अबाउट दैट मजा आ रहा है कुछ सेशन में यार पक्का बताओ आ रहा है आपसे यहाँ फोन वाले ढाई सौ वाले नहीं गुड फीडबैक रुपए का एक फीडबैक लूंगा ढाई सौ पूरे कर दूंगा तो कुछ लर्निंग्स जो कि मैंने अपने पांच साल में जो छह चार साल यहां पर पांच नहीं नगर में मतलब मेरी बैक नहीं आई थी चार साल के अंदर जो मैंने लगाई है उन, लगा उन लर्निंग्स के बारे में मैं बार बात करूंगा आपको ठीक है आ, आपके पास टाइम लिमिटेड है आपके पास अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं दृश्यम क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल गेट अ रिवॉर्ड आपके पास टाइम टाइम क्या है है लिमिटेड आपको लग रहा है है आपके पास चार साल है. सब बीटेक वाले है? वाले भी तो आप तो और पानी में हो ठीक है मैं चार साल वालों के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपको लग रहा है आपके पास चार साल है आप सोचो आपके पास तीन साल है है ही आपके पास सोचना क्या राइट बी आपने बताया एमबी बी दो साल अरे यार इनके पास तो दो ही साल है तो आपको सोचना है कि आपके पास चार साल मैं चार साल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं लेकिन आपके पास चार साल नहीं आपके साथ सिर्फ कितने साल है तीन साल है वो तीन साल क्यों है क्योंकि चौथे साल तो आपकी प्लेसमेंट लगनी है तीसरे साल बाद और फिर आपको एंजॉय करना है तो आपके पास तीन साल है तीन साल मीन्स वन जीरो नाइन फाइव डेज अगर आप इसको लीप ईयर नहीं आता इसके अंदर तो इस बार आ रहा है लीप लिपियर है कब आएगा तो आएगा तो सही भाई लीप ईयर तुम्हारे बीटेक में आएगा ना लीप ईयर तो एक डेज और एक्स्ट्रा कर लो चलो ठीक है वो आपको फ्री में मिल गया तो वन जीरो आज ठीक है उसमें से भी कुछ दिन निकल चुके ऑलरेडी मास्टर क्लास लेते 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 निकल गए तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड द राइट नाउ आपका काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है आज ही से जो लोग बोलते हैं ना कि ट्वेल्थ कर लो बेटा आगे तो आसान होगा बी बीटेक कर लो बेटा आगे तो लाइफ इजी है जॉब कर लो लाइफ इजी है लाइफ कभी इजी नहीं होने वाली आपकी इट्स अ फेज ऑफ लाइफ आपको इजी कैसे बनाया अगेन आई विल टॉक अबाउट दैट अटेंडेंस हो गई होगी oh, yeah. यार उनका सर उनका अटेंडेंस ले लो हाई सर आओ यू आप सर सर भी हमारे नेटवर्किंग के पार्ट है मैं मैं एमएलएम नहीं सिखा रहा हूं आपको ध्यान रखना मैं कुछ मैं वेस्टीज और और सारी चीजें ब्रांड्स को बेचने नहीं आया हूं यहां पे मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन हां सर से भी कनेक्शन बना हुआ है यूज्ड टू टॉक मिलता हूं सर से बात होती है तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुका है काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ये देखो फोटो जानते इन सबको चलो कौन बता सकता है तीनों के नाम ईशान शर्मा इज वन नेक्स्ट वन इज अंकुर बारिकु। आ, कौन? बारिकु। तो बोला मनीष पांडे जानते हो कौन है मनीष पांडे क्रिकेटर मनीष पांडे ये वाले तो नहीं है ना यार क्रिकेटर नाम है बताओ कंटेंट क्रिएटर थोड़ा पास आगे बोले माइक आएगी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे आना तो वहां पे कैमरे में भी देख सकते हो कंटेंट क्रिएटर है कंटेंट क्रिएटर है मतलब ठीक है फिल्म में होता है ना फिल्म में एक एक्टर होता एक है एक एक डायरेक्टर होता है राइट फिल्म में एक्टर एक होता है डायरेक्टर डायरेक्टर का नाम बताओगे एक दो संजय लीला बंसाली करण जोहर रोहित शेट्टी और आपका आपका फेवरेट कौन सा है अशत कुमार तो ये जो है ना ये जो है ना ये YouTube का डायरेक्टर है एक तरीके से भुवन बाम का नाम सुना है yes, प्रजक्ता का नाम सुना है yes, रणबीर yes, अलावादिया का नाम सुना है yes, तो उन सब पीछे की जो टॉक्स जो yes, एक आती yes, है उन सब का क्रिएटर समझ लो उनका माई बाप ये मनीष पांडे ठीक है कंटेंट क्रिएटर नहीं है ये कंटेंट क्रिएटर का क्रिएटर है जो कंटेंट क्रिएट करता, करता है आई मेट हिम ऑनलाइन अभी फिजिकली मुझे मिलना है इन पर्सन ऑनलाइन मिला था उन्होंने तो बहुत ही सही बात बोली थी और ये अंकुर वाली को से तो अभी रिसेंटली मैंने कोर्स करा और ईशान शर्मा भी वहां पे आया हुआ था आई डी हाउ टू यूट्यूब सर्टिफिकेशन कोर्स रिसेंटली तो उनसे मिला था तो सिर्फ 700 दिन दे दो एंड फिर देखो मैजिक 700 दिन मींस ऑलमोस्ट टू इयर्स आपको दो साल देने उसने मुझे बोला ये बात कि तू तो यूट्यूब को है ना सिर्फ सात दिन दे दो और सात दिन, दे दिन बाद देखना तुम क्या मैजिक करोगे और सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ आपको भी अपनी लाइफ में सात दिन देने हैं दो साल देने हैं आपके पास तो फिर मतलब एमबीए वाले इस कैटेगरी में लैंड करते हैं तो आपको भी 700 दिन देने हैं अगर आप 700 दिन दे रहे हैं तो आपकी लाइफ पक्का पक्का चेंज होगी मैं गारंटी देता हूं अगेन आपके पास तो हजार दिन है 300 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है प्लस चल रहे हो तो आप अगर अपने दो साल आज के बाद यस यस ये सर हाई अगर आप दो साल यहां पर दे दोगे तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कर जाओगे कितने साल देने हैं कितने दो साल तो सात सौ दिन अगर आप काम कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा आपका और उसको स्टार्ट कैसे करना है फर्स्ट मैंने बता दिया आपको टाइम इज लिमिटेड सेकेंड इज रिस्पेक्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वन आई एम वेरी हैप्पी दिस गाइज मुझे लगा था ये बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे बट दे आर रिस्पेक्टिंग मी वो मेरी सब बात को सुन रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी दैट वो जो गर्ल थी जो फोन यूज उस करी उसने फोन बंद कर दिया आई एम वेरी हैप्पी उसको मैंने पॉइंट आउट करा वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज अ रिस्पेक्ट दैट वी ऑलवेज वॉन्ट आप रिस्पेक्ट चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी तो आपको रिस्पेक्ट करना है चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर्स से लगवा दी? सर तो नहीं, नहीं आया मैं तो पुराना हूं तो ऑफिस में बाहर गार्ड मिले थे उन्होंने तो तुम सही हो यार शुद्धिता मैम सुबह मॉर्निंग में फोन पर बात हुई है उनसे कनेक्शन सा मैम आई दी शुद्धिता मैम जितने भी लोग हैं उनसे कनेक्शन बनाओ यहाँ पे भैया जो ऑपरेट करते हैं उनको मैं जानता हूँ अखिलेश अभी यहाँ पे थे उनको मैं जानता हूँ बाकी सबको जानता हूँ यू हैव टू मेक कनेक्शन विद एवरी वो आपको हेल्प करेगा आज मुझे हेल्प कर रहा है ना अब मैं सेशन कर रहा हूँ तो कितना स्मूदली मैं सेशन कर पा रहा हूँ तो आप आप समझो इस बात को कि आप इस यूनिवर्सिटी में आके उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो बिल्डोर नेटवर्क आप कम्युनिटी का इस्तेमाल करो आप भी आके चार साल बाद यहाँ पे ऐसे टॉक दे रहे होंगे आप भी अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होंगे आप भी लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे आई वॉन्ट यू गाइस टू बिकम दैट टैलेंटेड मैं मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूं एक जना भी मोटिवेट हो जाएगा ना तो वो लाइफ चेंज कर सकता है डेफिनेटली और मनीष पांडे जो मैं बात कर रहा था इसने तो कितने लोगों को बना दिया है मतलब ही इज रेडी टू हैल्ड ई मेल अंकुर को अगर आपने फॉलो करा ही कोल्ड राइट कोल्ड ई मेल्स आपको लगता है किसी से कनेक्ट करना है मेल करो एक सिंपल मेल मेल की पावर बहुत ज्यादा है आज के टाइम में भी आपको मेरी कंपनी के सीईओ से भी बात करनी है सिंपल राइट एन ईमेल और उनका रिप्लाई आता है और मेरे जो एमडी है मिस्टर अनिल सिंह उन्होंने भी यही बात बोली थी मुझे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना ही तो करेगा ना क्या पता अगर वो हाँ कर दे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो तो आपको हमेशा अप्रोच करना है लोगों से कनेक्ट करना है कोल्ड ई मेल्स बहुत ज्यादा ध्यान दो आप मुझे कोल्ड ई लिखोगे मैं अपनी ई मेल आपको दूंगा राइट एन ई मेल कुछ भी हो इट माइट भी पॉसिबल आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो गाइडेंस चाहते हो आपको फंडिंग चाहिए किसी चीज के लिए अभी मोमेंटम में मैम आई दी फंडिंग करवा दो अप्रोच मी मेरे को लगेगा फायदा आई विल फंडिंग नहीं मेरे को अप्रोच करते मैं देता ही नहीं तो राइट एंड कोल्ड इमेज क्या करना है कोल्ड इमेज रखना वर्ड्स को हो सकता है मैं को एक दो सेशन और लेने पड़े अगर आप कहोगे आई कैन टॉक अबाउट कोल्ड इमेज कैसे लिखने है, कैसे हेल्प कर सकते हैं इन चीजों के बारे में तो आपको स्टाफ लोगों से सबसे एक नेटवर्क बना के रखना है एंड पीपल विल फॉरगेट यू सेड बट पीपल विल नेवर फॉरगेट वट यू डिड पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड फील आप उनको फील कैसा करवाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनको क्या देते हो कैसा उनके बारे में बोलते हो वो जरूरत नहीं है आपको फील कैसा करवाते रिस्पेक्टिंग समवन डेफिनेटली दैट विल गोइंग टू हेल्प यू एंड हाउ दिस वन मी आई विल टॉक इन माई नेक्स्ट लाइट समझे तो आप फील कैसा करवाते हो क्या करवाते हो फील कैसा करवाते हो वो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अगर मुझे एक अच्छे ऑडियंस से बनकर दिखाओगे तो मैं आपको और आउटपुट दूंगा और चीज आपके दूंगा आने वाले टाइम में दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ये मेरे कॉलेज के कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो जो मैंने कनेक्शंस बनाए थे ये मेरा बैच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आई फाउंड सम गुड फ्रेंड्स ये योगा टीचर बन चुके हैं डेलाइट की जॉब छोड़ के ये गोल्डमन सेक्ट में काम कर रहा है ये सेंचर में काम करता है ही इज़ इन कनेडा ये डेलाइट में काम करता है गेन हीज ऑल्स इन कनेडा ये विजय बूडाकोटी सर मतलब ये एक पर्सन है ना डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में जानते हो इन्हें इनसे मिले हो इनसे मिलना ढूंढना इन्हें कहाँ बैठते हैं ठीक है विजय बूडाकोटी सर उनको मेरा रेफरेंस देना कि विनीत सर ने बोला था कि आप

हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली वी यूज टू कनेक्ट विद हिम एंड डेफिनेटली ही विल गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो और ये हमारी एल्यूमिन मीट हुई थी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं रीटा चिक्कारा मैम कंप्यूटर साइंस की है चोड़ी है आप जानते होंगे और बाकी की सारी फैकल्टीस मेघना मैम है यहाँ पे और और जो का मैम हुआ करती थी यहाँ पे पहले और बहुत सारे लोग हैं जी रीटा चिक्कारा मैम हो गई बीके गुप्ता सर यहाँ पे हुए थे शकीन शाक, सर यहाँ पे हमारे पास है शकील सर और बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं और जो सारे लोग हैं ना आधे लोग से लोग इसमें से जाके छोड़ चुके हैं कंपनी यूनिवर्सिटी क्योंकि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट आज मैं यहां जैमरे सोल्यूशन में कल को मैं कहीं जा सकता हूं तो वो छोड़ चुके हैं बट वो कनेक्शन नहीं छूटे अब तक एंड हाउ दिस कनेक्शन इज हेल्पिंग मी नाउ आई विल टॉक अबाउट दैट हाउ दिस कनेक्शन इज हेल्पिंग मी आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट तो उसको एक नेक्स्ट टाइड को हम ध्यान से देखते हैं एंड अबार्ट फ्रॉम दैट आई आई सॉ सम फ्यू पीपल क्लिकिंग फोटोग्राफ्स इन केस यू वॉन्ट टू क्लिक फोटोग्राफ्स आप कर सकते हो एंड यू कैन टैग मी आप देखो कितना पावरफुल नेटवर्क है सबसे ऊपर है डॉक्टर लतिका सिंह डीन इन सुशांत यूनिवर्सिटी ये हमारी एच ओडी हुआ करती थी हमारे टाइम पे अब कनेक्शन सुशांत यूनिवर्सिटी के डीन है वहां पर तो मुझे अभी किसी का रिसेंटली एडमिशन करवाना था सिंपली कॉल दम एंड टोल्ड लतिका मैम से मिल लो गिव माई रेफरेंस इन शी विल हेल्प यू उनका एडमिशन मिल गया okay. मुझे सेशन लेने हैं कॉलेज में वर्कशॉप करवानी है आप वहां पर आपको भी लेना है क्या एडमिशन <laughs> नहीं यार दूसरी यूनिवर्सिटी में मत जाना मेरे को कॉलेज वाले निकाल देंगे प्लीज अच्छी यूनिवर्सिटी है ये आ, तो लतिका मैम वहाँ पे कॉन्टेक्ट है हमारे पास है तो हाँ यार, कर रहे हो। यार देखो काम है मेरा प्रमोशन करना मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा मैं आपकी लाइफ बना रहा हूँ आप चाहे इस यूनिवर्सिटी में रहो चाहे किसी और यूनिवर्सिटी में रहो आने वाले टाइम में कहीं रहो कनेक्शन्स इंपॉर्टेंट है वो आप इसका ध्यान रखो अनिरुद्ध कौशिक सर ये अभी रिसेंटली हमारे पास प्लेसमेंट सेल में हुआ करते थे वो अभी मूव करके ही फेडिलिटी इंटरनेशनल मेरे को जॉब चेंज करनी है मैं क्या गंगा रहा सर हाय सर हाउ आर यू सर जॉब स्विच करनी है सिंपल सीवी इंटरव्यूज वगैरह तो बात की बात है रेफरेंस जो होती है ना आपकी रेफरेंस बहुत पावरफुल होते हैं कितने लाख मैंने कमा है अनुरु सर को आज लिंगन पर जाकर रिक्वेस्ट भेज एनसीयू के रिक्वेस्ट, अगर आप के हो, आपकी रिक्वेस्ट और पे आएगी ही विल बी कमिंग टू यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक्स को यहाँ पे डील करते तो ये कनेक्शन है डॉक्टर जोश्ना सिंह ये भी हमारे कॉलेज में थी इज नाउ सीनियर लीडर मेंटर एंड लर्नर और यहाँ पे एल एल

सॉरी सर देखो आप अभी ना नहीं नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अपॉर्चुनिटीज मुझे अच्छी मिलती तो हम इस कॉलेज में एडमिशन ले आप अभी लेने वाले हो देने वाले नहीं हो ठीक है तो आपको जो मिल रहा है वो ले लो क्या पता आपको ये भी ना मिले ठीक है सिंपल सी बात है जब आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाओगे जब आपके पास ऐसी चीज होगी जब आप लोगों को शेयर करोगे लोग आपको लेना चाहेंगे तो फिर आप उस टाइम में हमारे यहाँ पे हेल्प करेगी आपने आई लाइक मतलब इंटरेक्टिव यू कैन हैव आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आते हो कैन आस्क मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एंड आई विल बी अनबायस्ड फॉर श्योर अनबायस्ड रहूंगा मैं अभिषेक शंकर ही इज माई फेलोमेट क्लासमेट था ही इज वर्किंग राइटर इन गूगल तो गूगल में रेफरल लगाना है मैं थोड़े दिन बाद लगवाऊंगा अभी मैं वीडियो कट कर दूंगा तो आई विल रीच आउट टू अभिषेक वैली में रिसेंटली है तो वर्किंग प्रणव जैन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यूनिवर्सिटी का शायद इनकी भी होगी इन क्या नहीं कर लिया इज माई जूनियर एक साल जूनियर है इनको लिंगडिन पर फॉलो करना आप इसकी फोटो ले लो यार मतलब डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी नेटवर्क को बिल्ड करने में प्रणव जैन है ये हमारे कॉलेज का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी है स्टैंडफोड में से किसी एक यूनिवर्सिटी में है सुंदर पिचाई के साथ मिल चुका है मतलब मैं तो अभी सिंपल सिंपल वारिकू वगैरह से मतलब ये सुंदर भिजाई के साथ मिल चुका है लोगों को ऐसे कहने का मतलब क्या नहीं कर चुका है पूरी दुनिया घूम चुका है फ्री में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में आके डेव टॉक्स होती है पाइथ, पाइथ पाइथन कॉन्फ्रेंसिस होती है पाइकॉन होती है आर डिफरेंट कॉन्फ्रेंस यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर आप वहाँ पे जाओ पूरी दुनिया घूम सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और उसने ये करके दिखाया है डॉक्टर कविता करना ही हमारी है हमारी एच थी थोड़े दिन पहले अभी हमारे पास है डेली स्किल्स एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि डेली गवर्नमेंट के साथ है द्वारका में है वहाँ पे है तो तीन सेशंस एक सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर और एक अगेन नेटवर्किंग के ऊपर तीन सेशन में इस यूनिवर्सिटी में अक्टूबर में देने वाला तो वो मैंने ब्लॉक कर लिए तो वो हेल्प करा है मेरा नेटवर्क को कि ये सेशंस प्लान करने के लिए पुनीत पुनीत जो आप देख पा रहे हो इज ऑल्सो एम बी एलूम एम बी वाले स्टूडेंट्स आप उनको फॉलो कर सकते हो इन्होंने सेशन भी दिए होंगे आपके साथ ये मर्सन में काम करते हैं उसके अलावा Amazon के एड्स में आ चुके हैं बहुत सारे अमेजोन में एक्टर है ये जो आप फोटो देख पा रहे हो यहाँ पे भी इसी स्टेज के फोटो यहाँ पे एक कल, थिएटर क्लब हुआ करता था हाई अभी अभिमंच। आपने शायद सुना तो ही इज टू पार्ट ऑफ अभिमंच वहाँ पे प्ले करता था अभी भी प्ले करता है बहुत चीजें करता है सो ट्राई टू यूज दैट थिंग अभिमंच का इस्तेमाल करो मतलब समझ रहे आप कैसे कैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और ये नेटवर्क ही है जो आपको हेल्प करेगा ये चले गए हैं लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा बन गए कि आज भी मुझे हेल्प चाहिए तो वो मुझे हेल्प कर पाएंगे आज वहां पे जो पीछे बैठा हुआ जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंसान हो सकता है इसका भी कोई बिजनेस आने में बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा हूँ बट मुझे पता रहेगा सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो ये हेल्प करेगा करोगे ना यार तो मतलब बिजनेस कैसे अच्छा नहीं लगता तो दे विल हेल्प मतलब है मतलब कनेक्शंस बनते हैं इवन यूनिवर्सिटीज पीपल यूज टू अप्रोच मी इन माई कंपनी की यार कि कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आओ और बच्चे हायर करो हो सकता है मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट पास पसंद आया यार बढ़िया बंदा लग रहा है बोलता सही है इसको अपनी मार्केटिंग टीम में ले लेता हूँ माइट इट बी पॉसिबल एंड वी हैव अ पावर वी हैव अ पावर टू हायर डायरेक्टली इवन विदाउट इंटरव्यूज एज वेल अगर बंदा अच्छा ही लगता है कैंडिडेट अच्छा लगता है तो तो अगेन नेटवर्क्स अगर आप काम करोगे अगर आप दो साल मेरे साथ काम करते हो तीसरे साल मैं आऊंगा खुशी खुशी लेके जाऊंगा मैं अभी आ रहा हूँ देखना एक दो लोगों को मैं लेके जाऊंगा बाई सिंपल हायर ऑफर रिलीज

सेवन टू एट लाख रुपीज का हमने पैकेज इंक्रीज कर दिया है तो मिनिमम पैकेज हमारे पास ही रहता है एंड डेफिनेटली कैंडिडेट इज वेरी गुड वी कैन गो अपू स्का हम पूरा आपको आसमान दे देंगे पैसे नहीं देंगे <laughs> हाँ सर <laughs> तो आएंगे आपको लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ देखो फेल तो कभी भी हो जाए आप सारे सेमेस्टर फेल हो सकते हो तो मैंने चार साल में करी है तो आपको तो हजार की जगह तेरह सौ पैंसठ दिन हो जाएंगे तो बस यही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अरिशांत शर्मा आपने देखा था ना इज आर कॉलेज ड्रॉप आउट इज अर कॉलेज ड्रॉप आउट इज अर्निंग करोड़ रुपीज अयर करोड़ रुपीज़ अ ईयर तो जरूरी नहीं है आपको पास ही होना है आप ड्रॉप आउट भी बनते हो लेकिन ड्रॉप आउट तब बनो जब आपके पास हिम्मत हो करने की और आप कुछ कर पाओ तो आप फेल होकर भी बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट गिव योर ट्राई आपको ट्राई करना है यार बाकी छोड़ दो सब चीजों पर तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अपनी सीजी पेट एट पॉइंट फाइव रखी थी सेकंड में मैंने नाइन रखी थर्ड में अगेन एट पॉइंट के आसपास रखी एवरेज सीबी सी पे मेरी कुछ एट से ऊपर चली हुई थी दैट हेल्प मी तो मेरे को फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में ज्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करना पड़े आई वॉज एबल टू फोकस ऑन अदर थिंग्स तो अपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में फोकस करो कि आप अच्छी सीजी पे बिल्ड करो क्या कर रहे हो मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूं हो सकता है इस स्लाइड से कंपटीशन का आंसर हो क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसका ध्यान रखना योर सीजीपी और आप जब तक तीन सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे तो तीन से तीन से मल्टीप्लाई करो तो आपके कितने दिन हो जाएंगे तीन सौ पैसठ को डेढ़ से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी कितने थ्री सिक्सटी फाइव इंटू डेड वन पॉइंट फाइव हाँ भाई <laughs> कौन बोला कौन बोला वो 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 ना यार मैं मैथ्स ठीक कर मैथ्स यार मैं में मेरे बिल्कुल फेल होने की कगार थी और मैथ्स वन मैथ्स टू मैथ्स थी तो सबसे कॉलेज में लेकिन <laughs> में के चल रहा हूँ जो मैंने वन जीरो बताया तो उसमें से फाइव फोर्टी फाइव एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट आपका काम खत्म हो गया आप डेढ़ साल में फिफ्टी परसेंट आप अपने गोल को अचीव कर चुके हो फिफ्टी परसेंट आपने कर दिया तो आपको मोटिवेशन मिलेगी वो लेबल टू कम्प्लीट हंड्रेड परसेंट एज वेल करोगे नहीं करोगे यहां पे जो लेट आए लोग करोगे पक्का करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर देखा है yes, करके दिखाएंगे yes. uh, नहीं यस yes, थोड़ी बोलता है वो इंग्लिश वाला देखा है उसमें क्या बोलता था वी विल डू इट लेट्स डू इट ठीक है करके दिखाएंगे हाँ भैया हाँ ठीक है देन फोर्थ है फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स आपको लगता है ये सब्जेक्ट बेकार है मैं भी ये सोचता था सब्जेक्ट बेकार है मेरे को एस टी एस सी एस एस मुझे लगा ये तो बेकार है मुझे तो सी प्लस प्लस करनी है मैं एक अच्छा कोडर बनूंगा मैं डेटा बेस का इंजीनियर बनूंगा मैं तोड़ दूंगा मैं फोड़ दूंगा जब मैं वहाँ पे गया मुझे रोल दिया गया एस टी एम एल सी एस एस का कॉर्पोरेट में जरूरी नहीं है आप जो रोल चाहते हो आपको वही रोल मिलेगा इट माइट भी पॉसिबल आपने कुछ और पढ़ा इंजीनियरिंग और आपको वो रोल मिले लकीली मुझे एस टी एम एल सी एस एस का मिला और मुझे सबसे बुरी चीज़ वही लगती थी बट

आप चीजें सीख सकते हो और चीजें कर सकते हो तो ये एस टी एमएसएस वगैरह मैंने नहीं सीखी मतलब सीखी थी कॉलेज में फोकस कर एबल टू वर्क इन अ कंपनी और यही जो एस टी एम एस सी एस एस में है ना यहाँ पे जो कुर्ता है यही मेरे को पैसा कमा के दे रहा है और जो मेरा ये बुरझाया हुआ सा मुंह है ये एक खुशी में बदल गया ठीक है तो ये जरूरी है तो आप फोकस करोगे अपने सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपको हेल्प कर रहा हो पॉसिबल आप सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पढ़ रहे हो वो आपको हेल्प कर रहा हो आपके पास हो सकता है आईडीरो पढ़ रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक सब्जेक्ट आएगा आपको वो हेल्प कर रहा हो आपके पास बाइनरी नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं कर रहे हो, आपको वो हेल्प कर रहा हूँ लर्न तो मतलब एक बार देख लो एक बार देख लो सब जैक तो बनी जाओ ट्रेड्स और किंग ऑफ वन वो आपको जरूर फोकस करना है देट विल हेल्प मी एंड आज भी मैं लाखों रुपये जो कमा रहा हूँ वो सिर्फ एस्टिवल सीस की वजह से कमा रहा हूँ ठीक है देन कम सेकेंड ईयर फाइंड योर नीचे फाइंड योर नीचे नहीं है भाई ये ऊपर वाले ये मत बोलना फाइंड योर नीचे इट्स फाइंड योर नीश आपको अपनी नीश फाइंड करनी है आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जहां मेरे को पता है फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक वो क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज आपको ढूंढना पड़ेगा ना स्पेशलाइजेशन ढूंढना पड़ेगा तो आप वो आप ढूंढो एक साल में एक्सप्लोर करो और यहाँ पे आप अपनी नीच को ढूंढो आप क्लब्स ज्वाइन करो देर डिफरेंट क्लब्स इन द यूनिवर्सिटीज कौन कौन से क्लब्स है पता है किसी को डांस नाम पता है अवेकिंग क्लब है स्पोर्ट्स क्लब होंगे बहुत सारी सोसाइटीज है गूगल स्टूडेंट क्लब हुआ करता था वो सब ज्वाइन करो आप वो सेकंड ईयर के बाद करो थर्ड सेमेस्टर के बाद या सेकंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर के बाद आप करो वो आपको यहाँ पे करना है इस टाइम पे आई विल नॉट अगेन टेल यू कि फर्स्ट ईयर फोकस ऑन सी जी पे मेजरली एंड सेकंड ईयर यू कैन फोकस ऑन क्लब्स डिफरेंट सोसाइटीज होगी आपके पास आई ट्रिपल ही सोसाइटी है सी एस आई करके एक सोसाइटी है और बहुत सारी नई सोसाइटीज होगी इवन इफ दोसाइटीज इज नॉट अवेलेबल एन यूनिवर्सिटी ट्राई टू बिल्ड समीज आउटसाइड ऑर्गेइजेशन कनेक्ट करके आप अपनी सोसाइटीज को बिल्ड करो यू कैन भी प्रेजिडेंट यू कैन भी सब प्रेजिडेंट ऑफ दो सोसाइटीज एंड बिल्ड देट कम्युनिटी है कम्युनिटी की पावर बहुत ज्यादा है कॉम्युनिटी की पावर जो आप चीज़ ये जो आपके पास आपकी फ्रेंड बैठी हुई आप इससे जो चीज सीख पाओगे ना वो फैकल्टी भी नहीं सीखा पाएगी तो पियर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि तुम अपना टाइम पांच लोगों के साथ जितने भी आस पास होते हैं आपके उनके साथ शेयर करते हो ना उसका एवरेज जो निकल के आता है वो इंसान बन जाते हो आप ये नोटिस भी कर लेना तो इसलिए मैं अपने घर ही नहीं जाता हूँ मेरे घर वाले भाई साहब हमेशा बैठे जा ये कर ले वो मत कर मतलब दे आर ऑलवेज लाइक कि वो हमारी भले के लिए बोलते हैं लेकिन आई यूज टू स्पेंड लेस टाइम एट माई होम रीजन बिंग आई वांट टू स्पेंड माय टाइम मैक्सिमम जहां पे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके ऐसे लोगों के साथ जो फाउंडर्स है मेबर्स है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं आप अपने जो फ्रेंड सर्कल बना रहे हो जो लोग बना रहे हो वो ध्यान रखना मतलब एक दूसरे की शक्ल देख लो और एवरेज निकाल कर देख लो क्या वो फायदा हो रहा है नहीं हो रहा हाँ वो पांच लोग तो बैठे हुए एक दो तीन चार पाँच वो एवरेज निकाल लो जो एवरेज बनेगा वो आपका बहुत हेल्प करेगा और जरूरी नहीं आप हमेशा लर्न ही करो आप देना भी सीखो आपको सकता है जो दूसरे है, आप उसकी एवरेज को बेटर कर सकते हो थिंक अबाउट दैट एंड दिस इज गूगल स्टूडेंट्स क्लब आई एम नॉट श्योर अभी वो क्लब है नहीं नहीं है तो आप ऐसा है फाउंडिंग अमन मलिक हुआ करता था कनेडा मूव uh, कर गया एडबल्यू एस ये डेलाइट में है ये मैं हूँ यहाँ पे अभिशंक शंकर अगेन गूगल में जो चलाए देखो गूगल स्टूडेंट क्लब तब हमने स्टार्ट करता था आज ये गूगल में है और हम सब सोचते थे हम गूगल में हुआ करेंगे तो वो वहां पर सिलेक्ट हुआ ये फोटो अगेन ज्योति मैम रीटा मैम और ये फोटो देख रहे हो हमें सेशन अटेंड कर हाँ रहे थे टॉक्स वगैरह देता रहता रहे तो ये क्लब्स आपको ग्रूम करते हैं मेरे को भी जो क्लब्स ने ग्रूम करा वो क्लब्स ने ही करा आपको फैकल्टी आगे नहीं सिखाएगी कि आप आपको ऐसा करना आपको ऐसा बोलना है यू हैव टू वर्क योर खुद ही आपको ग्रूम होना है आपको लोगों से सीखना है आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सीखना है देन यू विल ओनली एबल टू ग्रो एंड लर्न आगे मूव कर पाओ सही बात है ना कौन बोला ये बोला ये बोला चेन वाला गोल्ड चेन राइट छुपाली <laughs> भाई ने अपनी रिस्क रिस्क बढ़ गया है यस फिफ्थ इज ट्राई टू से नो आपको नो no बोलना जरूरी है हर चीज को यस yes नहीं करना है आपको लगता है कि आपको ना जहाँ बोलना है आप बोलना सीखो मेरे पास भी सुरेंद्र सर का कॉल आया था कि सर आप ये कर लीजिएगा कहते हैं यहाँ पे ये सेशन दे दो दिन आके फ्राइडे कॉल करते हैं सैटरडे में मैंने कहा सर नो आई कांट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नो no, बोलना आना चाहिए चीजों के बारे में एंड दिस इज हाउ आई बिल्ड माई ब्रांड कॉलेज एक नाम पड़ा था ब्रांड बिल्ड करी वहां से स्टार्ट करा आई बिल्ड समी लैक हमने करे और आगे टाइम डू वी डू मै क्लास अभी नो yes, सर no, no, मैं पांच पांच मिनट और लूंगा हाँ प्राइस मिलेगा ना तो पांच मिनट और रुको पांच आई विल क्लोज इट इन फाइव टू सिक्स मिनट्स ओके ई बिल्ड माई ब्रांड भैडी जो बी लाइक भैडी बी लाइक विनीत सर्च करता गूगल पे अरे क्लास भी आप मिस कर सकते हो फैकल्टी को मैं अटेंडेंस की बात कर लूंगा नहीं है तो बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात है तो। yes, आपका कौन सा था एनवायरमेंट डे पे आया था और आपकी कौन सी मैम प्याली मैम क्या नाम है का? प्रिया मैम प्रिया मैम हाँ तो आयुष आयुष ही बैठा हुआ था आप जानते हैं आयुष ने आयुष कोल्ड में आई वॉज अ चीफ गेस्ट तो न्यूज पेपर इंटरनेशनल की फोटो है ये कही और हैश टैग देखो आप हैश टैग यूज करो बी लैक भैडी बी लै भैडी बी लैक भैडी मुझे पता लगा हैश टैग कुछ चीज होती है तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग दैट हैश टैग ओवर द टाइम मैंने सीखा वेबसाइट कैसे बिल्ड करती है डोमेन कैसे परचेस करता है तो मैंने अपना एक डोमेन खरीद लिया भैडी बी एच भैडी डॉट कॉम ये मिल गया तो मैंने बिल्ड करा जब मैंने सीखी वर्ड प्रेस कॉलेज में जब वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट आया तो मैंने वर्ड प्रेस ही की मैंने अपनी वेबसाइट वर्ड प्रेस पर बना दी देर वॉज सब्जेक्ट कॉल डिजिटल मार्केटिंग तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग करके उसमें घुसा दिया देन जब सोशल मीडियाज के बारे में पता लगा आए जितने भी सोशल मीडिया से उन सबको खरीद लिया मतलब खरीदा मतलब प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया भैडी के नाम से देन आई बिल्ड अ चैनल कॉलेज भैडी और ये ब्रांड बनाया ये लोगो बनाया तो so, आप देख रहे हो ये चीज़ें आपको सिखाई जाएगी तो so, आप एक टॉपिक बन लो एक स्टार्ट कर लो जो सिखाया जा रहा है ना उसको डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो आपको हेल्प करेगा आपको डेटा साइंस का कुछ चीज़ आ रही है आप क्वेरी लिखो आप स्क्रिप्ट लिखो उसे यूज करो उसका कुछ एक्चुअल प्रोडक्ट बना सको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो जो आप लोग लर्निंग कर रहे हो कुछ काम नहीं आएगी आपके तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में सीखते हो उसे यूज करो और आगे मूव करो सेकंड में जो सीखते हो मूव करो और आगे मूव करो, करो आगे move, इस टाइप से चलो एंड दिस इज हाउ माई यूट्यूब चैनल वर्क ये मैं एक्चुअल इनकम भी स्क्रीन शॉर्ट दिखा रहा हूँ बहुत सारे लोग नहीं दिखाते मतलब ये तो एक है सिर्फ अभी दो साल की सेवेंटी एट थाउजेंड मेरी एड रेवेन्यू है सिर्फ uh, 1.2 मिलियन लोगों तक मैं पहुंच चुका स्क्रीनशॉट देखो पीक जो आया था कोविड के टाइम में मैंने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस लिए थे उसके बाद कॉन्स्टेंटली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और चीजें घर आ रही है इंपॉर्टेंट होता है जब के बारे में पढ़ोगे तो ये मेरे को जे कर्व मिला था ऐसे जे कर्स आपकी लाइफ में आएंगे आप एक टाइम में बहुत पैसे कमा बहुत ऊपर पहुंच जाओगे एंड ये एक बार आपको पीक मिल गया ना ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है फॉर मी इट कोविड टाइम जब मैंने अपना चैनल लॉन्च करा और पहले भी मैं करता ज्यादा देख लो दो हज़ार से मैंने बनाया था एक दो सब्सक्राइबर पाँच सब्सक्राइबर दस लेकिन ये देखो एकदम से दस बारह हजार सब्सक्राइबर्स मेरे पास यहाँ पे पा आ गए थे और ये डॉट्स थी छोटी छोटी डॉट्स जो मैं बनाता आ रहा था वो एक टाइम पर आके दो हजार के अंदर आके कनेक्ट हुई जो मैंने 2012 में स्टार्ट करी थी या 14 में स्टार्ट करी थी भेड़ी वाली तो आप भी अगर आज से स्टार्ट करो मुझे दस साल लग गए यहां तक पहुंचने में आपको शायद साल ही लगे चार साल ही लगे सो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट टूडे एटलीस्ट आप स्टार्ट करो चाहे कुछ भी channel, करो बिल्ड अ अब चैनल बिल्ड अ अंस्टाग्राम आप कॉन्टेंट बनाओ क्रिएट करो बिल्ड अ सॉफ्टवेयर बिल्ड अ टेक्नोलॉजी बिल्ड अ टूल कुछ भी करो लेकिन स्टार्ट डूइंग दैट ये फोटो कोई प्रोडिक्ट कर पाएगा एग्जैक्टली exactly है क्या क्या बता रही है ये पाइल्ड अप थिंग्स ओके ओके हा वर्क हाँ और हाथी घर के अंदर <laughs> कैसे है आप बिल्कुल कुछ समझ आ रहा है इस फोटो से है <laughs> देखो हाथी एक बारी को अपने आप अप सब कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी एक पीछे से एक इंसान लगा हुआ है वो कुछ ऐड नहीं कर रहा उस पर वैल्यू वो हजार दो हजार किलो पता है कितने किलो का होता है हाथी कितने किलो का होता है पंद्रह सौ किलो का डेढ़ टन का और ये कितने का होगा पचास किलो का साठ किलो का लग भी साठ किलो का ही रहा है अभी क्या वैल्यू एड कर रहा होगा लेकिन एक एक उसे मोटिवेशन मिल रही है हाथी को लग रहा है मेरे पीछे कोई है जो मुझे पुश कर रहा हो शायद से वो सीढ़ी चढ़ जाए खुश है देख रहा पीछे पुश करे जा रहा है लगा जा रहा है और ऐसे ही आपके ये जो तो चीजें है ये एक, एक आपको पुश की जरूरत है और ये आप हो ये आप हो ये आपका आप समझ लो आप इतने बड़े हो आपको पता नहीं है इतनी एनर्जी आपके पास है हाथी को भी नहीं पता था ये आपका मेंटर है जो आपको मेंटर मिलेगा जो उसके आप हेल्प करोगे एंड ये आपको पुश कर रहा है एक पुश आपको मिल तो दे जाएगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ इजी हो जाएगी आप उस सारे स्टेयर्स को चढ़ जाओगे फाइंड अ ग्रेट मेंटर एंड फाइंड अ ग्रेट मेंटर जो कि मेरा सेवंथ टॉपिक है कि जो मेरे को करना है तो आपको मेंटर्स मिलेंगे मुझे भी बहुत अच्छे मेंटर्स है मिलते हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सबको बिल्ड करा मिस्टर चेतन सिंह ही वॉज अगेन अ पार्ट ऑफ एसपी स्टार्टिंग uh, में आए थे नाउ ही इज़ नॉट नो मोर इन दिस वर्ल्ड कोविड के टाइम में इनकी कोविड uh, की तबीयत खराब होने से डिसमिस हो गए थे तो इज़ नो नॉट नॉट अवेलेबल राइट नॉन यहाँ पे हमारे पास लेकिन इन्होंने ना मुझे बहुत रुलाया है इन्होंने बहुत रुलाया जाने के बाद जाने से पहले ही यूनिवर्सिटी के अंदर वो रुलाया कैसे है वो आके ना एसपी रूम में अभी मैम भी बात करती थी कि बच्चे आएंगे वो सही थे मैं उनके सेशन ले लूँगी ये भी बुलाते थे हमें बहुत मीठी गोली देते थे एसपी वाले आपको मीठी गोली देंगे ठीक है और बुला के रूम बंद कर दिया जाता था, था और फिर हमसे पूछा जाता था, था आओ पांच मिनट बोलो इस टॉपिक पे बोर्ड पे मार कर लो ये सिखाओ ये करो इन्होंने बुला बुला के बहुत रुलाया बहुत लिटरली रुलाया मतलब हम रोज आते थे बीके गुप्ता सर चेतन सर रुला देते थे एंड वो जो रुलाए ना वही हमें स्ट्रांग बना सके जितने आप अपने आप को कहते ना युद्ध से पहले जितना पसीना बहा लोगे उतना ही खून आपको कम बहाना पड़ेगा सुना है डायलॉग तो आपको भी पसीना बहाने की जरूरत है तो आप भी जो आपको ग्रूमिंग करवाई जा रही है चीज़ें करवाई जा रही है ट्राई टू एक्सप्लोर ट्राई टू डू दैट थिंग्स दैट विल हेल्प यू एंड मैं आज तक इन्हें रि रिमेम्बर करता हूँ उन्होंने यहाँ पे इसमें मुझे स्टेज पा के इसी स्टेज पर आकर मेरे को फर्स्ट टाइम माइक दिया था टी का जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था टू के अंदर एंड देन आई टॉक्ट इतनी सारी ऑडियंस मेरा बैच में बैठे हुए थे मैं वो रिकॉल कर पा रहा हूँ आज यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जो मैं शाये गाया था मैं जो मैं कॉन्फिडेंस नहीं था वो सारा यहाँ से बिल्ड हुआ था एंड जैसे अपॉर्चुनिटी मिली वो हम करते रहे तो कोई है यहाँ पे आगे कुछ बोलना चाहेगा एक और भेड़ी बन सकता है यहाँ पे आज है कोई एनी वन इंटरेस्टेड टू कम इन दिस स्टेज एंड टॉक अबाउट टू मिनट्स आप आओगे डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर योर गुड नेम अविष्का जिंदल थैंक यू सो मच अविष्का फॉर टेकिंग दैट इनिशिएटिव एंड वो एक नेक्स्ट स्लाइड आप सबके लिए बहुत अच्छी होने वाली है पता है पता ध्यान रखना ये एक जो जर्नी थी ना ये देखो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पास हरियाणा के नीचे खट्टर जी खड़े हुए और ये हमने स्टार्टअप वीकेंड हरियाणा का जो मैं बात कर रहा था मैम बात करी थी हमने अवार्ड जीता 2016 के अंदर जनवरी के अंदर ये भी हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था उसके बाद हम लीला में जीता था ये अपॉर्चुनिटी तो ये ये हमारा चेतन सर है तो ये ऑलवेज उन्होंने प्रमोट करा तुम चीजें लो नई चीजें ट्राई करो आगे जाओ स्मार्ट इंडिया हाइकोथन चल रहा है आपने शायद सबकी स्टोरीज भी देखी होगी टू हेल्प यू फिर वो कॉलेज में तो एडिक्शन हो ही जाती है <laughs> <laughs> <हा>? <laughs> इसकी बैकग्राउंड फोटो नहीं आ रही पता नहीं क्यों <laughs> तो कुछ गलत मतलब निकल कर लेकिन हाँ मुझे भी एक एडिक्शन हो गई थी कॉलेज में सबको होती है और वह हा देखो अब अब देखो जब से चुप बैठे थे पत्ती देखते सब <laughs> <laughs> तो मेरे को भी जो एडिक्शन हो गई थी वो हमारे पास जीत की एडिक्शन हो गई थी और वो एडिक्शन मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती वो पहले वाली एडिक्शन नहीं हुई थी मेरे को ध्यान रखना ये जीत की एडिक्शन हो गई थी आप देख पा रहे हो कितने सारे अवार्ड्स कितनी सारी चीजें कितनी सारी चीजें मैंने करी यहां पे और आगे ऐसे मूव करता रहा न्यूज में आना तो मेरे लिए एक नॉर्मल टास्क हो गया था एंड यूनिवर्सिटी हेल्प मी टू बिल्ड दैट ब्रांड

डिजाइनिंग के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं तो आई फाउंड माई इी का विच इस डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग एंड आई एम वर्किंग टू इन दट फील्ड ओनली यू एक्स वे डिजाइनिंग यू चैनल है मेरा सब शोर तो अभी जो मैं काम करता हूँ मैं आज यहाँ पे सेशन दे रहा हूँ तो मुझे एक बर्डन नहीं लग रहा है आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड कम कमिंग ईयर जो कि मेरे को हेल्प करता है तो फाइंड योर इक्की का यह बुक बहुत अच्छी है आप इसे जरूर पढ़ना बाद में दैट वीर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फोर्थ ईयर आपका आएगा उसमें आपको अपनी लाइफ जीनी है आपके जो फ्रेंड्स है सर्कल्स है वो बनाओ अच्छे से दोस्त बनाओ वो क्योंकि थर्ड ईयर तक आपको प्लेसमेंट्स लग जाएगी फोर्थ विल बी टाइम जो आप अपनी जिंदगी भर याद रखोगे और ये ये फ्रेंडशिप मिस करोगे ये भी मेरे कुछ फ्रेंड्स है और जो कॉलेज में आपके दोस्ती हो जाती है ना कॉर्पोरेट में आपको कभी वो फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे फॉर श्योर सो मेक सम गुड फ्रेंड्स अब जो आपने देखा था आई वॉज एवरेज पर्सन एजुकेशन लोन था मेरे पास आई बिकम अन्फिडेंट इंसिट्यू से निकलने के बाद आई एवरेज से मैं ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बन गया क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी जमने सोल्यूशन के अंदर मैं चीज़ें बहुत सारी चीजें कर चुका था बहुत सारे अचीव कर चुका था एजुकेशन लोन खत्म हो गया क्योंकि एक तरीके से मैंने गुड पैकेज ले लिया तो मेरा विद इन टू इयर्स मैंने लोन रिकवर कर लिया दिस इज अबाउट मी ये मैंने एक्जैक्ट इनकम पेसिड सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने अपनी ब्रांडिंग के थ्रू कमाई है वो उस तारी में बात कर रहा हूँ ये सिर्फ दो साल के अंदर मैंने कमा लिया गेस्ट लेक्चर्स में देता हूँ डिफ्रेंट यूनिवर्टी में दो आई डों चार्ज बट कई यूनिवर्सिटी में आई डू फॉर माई टाइम दिस इज अमाउंट रेफरल्स जो मैंने बताया था आपके रेफरल्स काउंट करते हैं तो मैंने दस रेफरल्स दिए थे पचास हजार रुपए एक रेफरल का अमाउंट मुझे मिलता है सो इफ आई रेफर समवन इन माय कंपनी और वो ज्वाइन करता है तो आई गेट सम रेफरल्स से पांच लाख रुपए मैंने अभी कमाए यूट्यूब में अब तक मैं दस लाख जो सेवेंटी एट थाउजें अपनी इनकम देखी थी वो अलग थी लेकिन देर आर डिफरेंट ब्रांड एडोर्समेंट दट आईज टू डू जो आप कॉलेज की बात कर रहे थे ऐसे देर आर डिफरेंट थिंग्स आई एम डूइंग सो आई आई टू चार्ज फॉर इट इन रूपीस बहुत ठीक इनकम होती है दस लाख रुपए टाइम बच जाता है मेरा फोन पे मैंने जो लतिका मैम को कॉल करा काम हो गया तो आई एम सेविंग माई टाइम एंड टाइम सब ज्यादा वैल्यूबल होता है अराउंड दो लाख रुपए रुपये टाइम बचा के मैंने अपना चीज़ें कह लिया की आई यूज दैट टाइम समवेयर एल्स डिजाइन एंड स्टार्टअप्स में करता रहता हूँ कुछ कुछ स्टार्टअप्स मेरे खुद के है आई यूज टू वर्क मैं कुछ चीजें बेचता हूँ सेल करता हूँ आई एन टू पॉइंट फाइव लाइफ तो ओवरऑल आप देख रहे हो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बीस लाख रुपए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आठ लाख रुपए मैंने इस यूनिवर्सिटी में लाने के लिए लगाए थे और मैं बीस लाख रुपए अब तक कमाती तो आर ओ आई अब देख रहे हो कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट अराउंड आपको यार ही मिल रहा है तो थिंक अबाउट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट योर ब्रांड टूडे अपनी मैंने अगर भेड़ी की ब्रांड से स्टार्ट करके बीस लाख रुपए ये जो कनेक्शन आप ऊपर देख पा रहे हो इन सबको इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब को इस्तेमाल करते हुए इफ आई कैन अर्न ट्वेंटी लैक्स रुपीस इन टू ईर्स यू स्टिल हैव थाउजेंड डेज और थ्री ईयर्स और फोर ईयर्स यू कैन गो टू वन करोड़ ईशान शर्मा कमा रहे हैं अंकुर वाली क्योंकि तेरह करोड़ रुपए लास्ट ईयर इनकम थी यूट्यूब के थ्रू और डिफरेंट चीजों के थ्रू तो थिंक अबाउट दैट बिल्ड दैट थिंग एंड दैट विल हेल्प यू लिंक इन पर आप जरूर कनेक्ट करो सबके लिंकडिन प्रोफाइल है यहाँ पे किसकी नहीं है आप आज बना लो लिंक प्रोफाइल प्लीज आप आज बनाओ आज से पोस्ट स्टार्ट करना कर दो डेट विल हेल्प यू अभी मैं भी अपने बिल्ड कर रहा हूँ कनेक्शंस मेरे को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो आई विल हैप्पी टू कनेक्ट यू एंड अगेन जो जो चीज़ें बात करिए वो हम बात करेंगे एंड ज्वाइन दिस वेरी कम्युनिटी जो मैं अभी नई कम्युनिटी लॉन्च कर रहा हूँ आई विल गिव यू करियर गाइडेंस जो आपने हाथी था और नीचे मेंटर था ना आई कैन हेल्प यू टू फाइंड दैट मेंटर तो आपको करियर गाइडेंस चाहिए आई विल हेल्प यू आपको वन टू वन मेंटरशिप चाहिए आई विल हेल्प यू इन दैट ब्रांडिंग से रिलेटेड यूएक्स डिजाइन में अगर अपना कोई सब्जेक्ट बनाया था डू रेट ये मेरा एक लिंक ट्री स्लेश क्यू आर कोड भी लगा हुआ है फॉलो मी देयर स्टार्ट करो और प्रोसीड करो सब्सक्राइब जरूर।, जरूर कर लो ना चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दिस इज कॉन्टेस्ट वन विच इज कॉल्ड एज भैडी आपको सिंपल कॉन्टेस्ट में स्टार्ट करता हूं आपको यहां पे भैडी को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले सेकेंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम भैडी देन थर्ड राइट अ गुड पोस्ट एक कम्युनिटी मैंने बिल्ड बनाई है आपको लिंक ट्री पे आपको मिल जाएगी आप वहां पे जाके वो कम्युनिटी को ज्वाइन करिए दैट विल हेल्प यू भैडी कम्युनिटी के नाम से मैंने बनाई है एंड देन राइट अ गुड पोस्ट आपका जो फीडबैक है यहाँ पे आज जो आपने सेशन लिया है इसका एक अच्छा सा पोस्ट कोई भी लिंकडेन पर डालता है मुझे टैग करता है तो उस वजह से मैं लकी विनर्स चूज करूंगा तीन लकी विनर्स जिसके पोस्ट बहुत अच्छे होंगे एंड मैं उनको तीन लकी मिनट्स को मेरे साथ वन टू वन सेशन थर्टी मिनट्स का सेशन हम करेंगे one one, या हम so anything, startups, और आप जरूर कर लेना ठीक है कॉन्टेस्ट टू स्टार्ट आपको सबसे पहले बैडी को सब्सक्राइब कर लो फॉलो कर लो एंड मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको पहले हाथ खड़ा करना है फिर आंसर करना है उसको पहले हाथ खड़ा करना है फिर आंसर करना है फर्स्ट क्वेश्चन है हाथ पहले खड़ा करना है हाउ मच अर्निंग मेड फ्रॉम सो फार हाथ खड़ा करना है पहले यस yes, आप बताइए यस yes. कितना कितना हाउ मेनी अर्निंग्स है मेड कितना वहां से आया दस लाख आप आ जाओ नीचे आपको गिफ्ट मिलेगा सेकेंड क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास अगेन हाथ खड़ा करना है नहीं नहीं हाथ खड़ा करना है हाथ मैं मैं ये वाला गिफ्ट ऑलरेडी उन्होंने नाम लिया था और वो बोलने भी चाहते आई विल इट टू ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी पॉइंट सेवन बताया ना ये यार लड़की आविश का जिंदल आप भी आ जाओ आविष्क का देन अगेन व्हाट इज द वन थिंग दैट आई एम एडिक्टेड टू यार ऐसे सबको पता यार ये वाला ये वाला हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा बट डेफिनेटली दो लोगों को मैं ये प्राइस देता हूँ अपना एंड यस yes, आप भी अगर आप आगे करोगे तो फिर चीजों के हिसाब से करते हैं एंड दैट्स ऑल आई थिंक मेरी तरफ से एंड ये मेरी मर्चेंडाइज है जो हमने रिसेंटली uh, मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ और इन सबको ये दो लोग आए यहाँ पे इनको ये मर्चेंडाइज मेरी मिलती है और ये मेरी टैगलाइन है

Yes, बहुत ही बढ़िया <laughs> अब बार बार आएगा तो बन जाता है सर आप बहुत ज्यादा होकर हो फिर आपकी जैसे ही बनेंगे कनेक्शन बिल्ड करना जरूरी है और अपने आप को हमेशा अपस्किल करना बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप वही है कि आप बहुत इंस्पायर करते हो और अपने आप को हर दिन पुश करता रहना चाहिए और फोकस करना चाहिए हमेशा और आपसे सीख लेके हम भी ये कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे और आगे अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे सेशन बहुत अच्छा था और बस कंसिस्टेंसी की है समझ आया और बस आपको बीट करना है हाँ मेरे को बीट करना है कॉम्पिटेटर्स मिल गया है मुझे यहाँ पे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए तो एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे सर उसी में कर देंगे तो ये जो सेशन था मेरा काफी इंटरेस्टिंग सेशन है मेरे पास यहाँ पर आज स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करा मतलब काफी मेहनत करी चार बजे तक रात को बी पी में बना रहा था लेकिन मुझे अच्छा लगा इतने सारे लोग आके आफ्टर दिस सेशन यहाँ पे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो आई थिंक इट अ वेरी गुड सेशन डेफिनेटली इस टाइप के और सेशन मैं करना चाहूंगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहूंगा एंड लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे और लेट्स टुगेदर बिल्ड दिस कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी जो है तो हम उसे करके दिखाएंगे भाई 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 भाई। भाई। तो बहुत ही बढ़िया हम करके दिखाएंगे एंड मिलेंगे इस टाइप के और वीडियोज के साथ तब तक के लिए बाय शुभ शुभरात्रि टेक केयर मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो साइनिंग ऑफ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब